हेलो फ्रेंड्स, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान आमने सामने थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। खेला जा रहा था 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल। सभी को उम्मीद थी दोनों टीम बहुत शानदार है, अच्छा प्रदर्शन खेलेंगे, तो ऐसा ही हुआ। पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने निकोलस के 55 रनों की मदद से ठोक डाले 241 रन। जवाब में चेस करने उतरी इंग्लैंड की टीम। शुरुआत अच्छी हुई, फिर शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी से गिरे तो इंग्लैंड ने भी जैसे तैसे करके बना डाले 241 रन। तो मैच हुआ टाई, तो जिसका हमें सभी को इंतज़ार होता है। सुपर ओवर की शुरुआत हुई। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 15 रन ठोक डाले, न्यूजीलैंड ने भी 15 रन ठोक डाले, तो मैच दोबारा से टाई हो गया। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड को विनर घोषित कर दिया गया, 2019 वर्ल्ड कप का विनर घोषित किया। तो ICC रूल्स में लिखा हुआ है कि जब सुपर ओवर भी टाई हो जाए तो जो टीम ज़्यादा बाउंड्रीज लगाएगी वही टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लैंड ने अपनी पारी में कुल 22 बाउंड्री लगाई थी, न्यूजीलैंड की टीम ने 16 बाउंड्री लगाई थी। इस आधार पर इंग्लैंड बन गया 2019 वर्ल्ड कप चैम्पियन। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि किस बेसिस पर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाया गया। थैंक यू सो मच। यू कैन सब्सक्राइब एडी पार्क फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।